सफीदो विधानसभा क्षेत्र से विधायक जसबीर देशवाल ने बीते दिन एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी उपलब्धि को बता दें कि देशवाल को सफीदों की जनता ने और अब सूत्रों के हवाले से ये भी है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में देशवाल भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि प्रेस वार्ता में देशवाल ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। चलिए आपको दिखाते हैं देशवाल ने अपने संबोधन में क्या कहा। तीन चालू हो गए और अभी जो इसमें सेक्टर में है वो बन के कम्प्लीट हो गया, उसका कनेक्शन होने वाला है। एक जो है बुढ़े खेड़े का वो भी हमारा पास हो गया, उसका टेंडर अभी लग जाएगा। मैं पिछले हफ्ते जब गया वो भी हमारा पास हो चुका है। एक एचरा खुर्द का है जो अभी प्रोसेस में। अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो इस केस में आने वाले चुनाव में क्या? वो तो जब टिकट की बात आएगी जब बताएंगे ना, अभी तो टिकट बहुत दूर है, अभी तो काम करने का मौका है। विधायक जी, इसी विषय में काम आपकी दृष्टिकोण से जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा हो रहे, फिर भी आज तक आपने दामन क्यों नहीं पकड़ा बीजेपी? मैंने सपोर्ट कर रखा सरकार को, बीजेपी की सरकार को ही सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मेरे को इतना पैसा मुख्यमंत्री ने दिया है। जब तक ये टर्म चलती है उसके बाद ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे? क्या आप जल्दी पत्रकारों को सूचना देंगे कि भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? सभी को पता लगेगा, पत्रकारों को सबसे पहले पता लगेगा। विधायक जी, आपने एमपी के चुनाव में एमपी की पूरी मदद की चुनाव के बाद, लेकिन जीत में आप शामिल नहीं हो पाए। कौन सी जीत में? जीत के बाद धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान, जिस दिनों धन्यवाद कार्यक्रम था, मेरे को किडनी की थोड़ी दिक्कत आ गई थी, मेरे टेस्ट हो रहे थे, मैं हॉस्पिटल में था, मैं पहुंच नहीं पाया। उनको बोल दिया था मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरे को इसी प्रकार का बिल्कुल सूचना तो सबको थी, मेरे को भी थे और लोगों को भी थी। विधायक जी, एक पार्टी का आपका जो नया नया बीजेपी पार्टी का एक नया नया जो अभी नेता शामिल हुआ बीजेपी, वो कहता कि कोई बंदा अगर ये रुक के मर रहा है तो मैं ग्रांट लेके आया हूँ, तो अपने मन में तो दम निकाल दियो, सारा काम सीएम साहब और एमपी साहब करवाने ला रहे, किसी के बुकाई में लाइयो, क्या कहना चाहोगे? हर आदमी अपनी सोच के हिसाब से बात करता है, काम करने वाला काम करता है, और जो फालतू की बात करता है वो फालतू की करता है। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ काम करवाता हूँ और आज तक काम ही किया है। 4.5 साल में मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा, सड़कों में सबसे ऊपर पूरे 90 के 90 में सफीदों हैं, आपके पावर हाउस में सबसे ऊपर है, आपके ट्यूबवेलों में सबसे ऊपर है। अगर कोई ये कहे कि विधायक ने नहीं लेके आया, पहले भी तो यहाँ विधायक रहे, वो क्यों नहीं लेके आए? अर्थ प्रकाश के लिए सफीदों से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।